जी अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उस दिन मेरे ख्याल में मेरी आवाज आ रही होगी, आवाज का इशू था शायद, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, राइट। हमारे पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या हुई, आइसोटोप्स की डेफिनेशन ये हुई बच्चों कि एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर वन में आप लोग सीख कर आए हैं। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आप सीख चुके हैं कहां पर मौजूद होते हैं, सोचिए अपने जहन में, शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स कहां मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लियस। अब हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं लेकिन आइसोटोप्स वो स्पीशीज हैं एटम्स की जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। यूनिट नंबर वन में आप ये सीख कर आए हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन मास नंबर क्या समझाया था आपको मैंने, आपको याद होगा रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, मास नंबर जो है वो होता है प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स के अंदर मास नंबर इसी वजह से चेंज होता है क्योंकि उनके अंदर हमारे पास जो है वो क्या चीज चेंज आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, सेम रहती है लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो डिपेंड करती हैं मास नंबर पर, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। Here we will discuss the isotopes of hydrogen, carbon, chlorine and uranium only. अब अगर मैं सबसे पहले अगर आप बुक का पेज नंबर 38 निकालें तो उस पर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन दिए गए हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स थ्री आइसोटोप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंसेस। द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज, पहला कौन सा है, प्रोटियम, दूसरा कौन सा है, ड्यूट्रियम, और तीसरा कौन सा है, ट्रिटियम। ड्यूट्रियम को डी कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिटियम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट एज शोन इन टेबल 2.2। अब अगर आप अगले पेज पे ये देखें तो अब यहां पे मैं ये पिक्चर अगर आपको दिखाऊं तो ये पिक्चर आप गौर से देखें जरा, ये देखिए ये हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जो सेकंड पिक्चर है इसमें आपको ड्यूट्रियम यानी सेकंड आइसोटोप दिखाया गया है सॉरी इस आइसोटोप ने अगर आप देखें तो दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन्स हैं, एक ब्लू में दिखाया गया है वो प्रोटॉन है और जो रेड में दिखाया गया वो प्रोटॉन है और जो ब्लू में दिखाया गया वो न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड था। अब इसमें क्या हुआ, मैस क्या हो गया, वन प्लस वन टू हो गया ना, तो मैस ये देखिए यहाँ पे मैस टू दिखाया गया और
इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर। अब थर्ड वन देखें ट्रिटियम, इसमें देखें दो प्रोटॉन्स हैं, ब्लू कलर में दिखाए गए हैं और रेड कलर में आपको क्या दिखाया गया है, रेड कलर में प्रोटॉन दिखाया गया है और न्यूट्रॉन्स कितने इसमें 2, तो टोटल मैस नंबर कितना हो गया 3। क्लियर हो गई? तो ये तीन आपके सामने जो है वो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स मौजूद हैं। अब अगर हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करें जो आपकी बुक के पेज नंबर 39 पर मौजूद हैं, देयर आर टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन 12 एंड कार्बन 13 एंड वन रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14। द आइसोटोप्स C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 98.9। अब हमारे पास जो अबंडेंस है इनकी वो कितनी है, वो हमारे पास जो कार्बन 12 है वो ज्यादा अबंडेंस में 98.9 अबंडेंस में मौजूद होता है और जो बाकी दो इसके आइसोटोप्स हैं C13 एंड C14 दैट आर प्रेजेंट इन ओनली इन 1.1% इन नेचर। ऑल ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसी तरह से जिस तरह मैंने पीछे समझाया प्रोटॉन्स सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होगा। आइए मैं आपको ये पिक्चर भी करीब से दिखाता हूँ। अब अगर आप ये पिक्चर करीब से देखें तो ये तीनों जो हैं आइसोटोप्स कार्बन के आपको नजर आ रहे हैं, देखें सब में 6-6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली पिक्चर में भी देखें, दूसरी पिक्चर में भी देखें, तीसरी पिक्चर में भी देखें। अब कार्बन यहाँ पे इसका मैस नंबर है 12, क्यों, प्रोटॉन 6 हैं और जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 6 हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, तो 6 और 6 जो है कितने हो गए 12। लेकिन अगर हम सेकंड वाले को देखें इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7, तो 6 प्लस 7 कितने हो गया, इनका मैस नंबर कितना आ गया 13। और जो थर्ड है दैट इज 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर इस वजह से इसका मैस नंबर 14 हो गया। तो ये कार्बन के 6 12, 6 13 एंड कार्बन 6 14, तो तीन आइसोटोप्स हैं कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं 1735 एंड 1737, और यूरेनियम की अगर बात की जाए तो इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं 92-234, यूरेनियम 92-235 एंड यूरेनियम 92-238। द यूरेनियम 92-238 इज फाउंड इन नेचर नियरली 99%, ये ऑब्जेक्टिव की लाइन है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यूरेनियम जो है वो किस तरह का है, ये देखें जरा, ये हमारे पास यूरेनियम आइसोटोप है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो यूरेनियम आइसोटोप जो है ब्रेक हो रहा है पोलोनियम में, ठीक है, जब इस पे फास्ट मूविंग जो है वो, ये दोबारा देखिएगा, ये यूरेनियम 238 है, इसके ऊपर फास्ट मूविंग जो है वो एक अल्फा पार्टिकल आया और ये ब्रेक हुआ और ये चेंज हो गया, ठीक है, 239 PU, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब ये आगे आएगा हमारे पास, उसके बाद इसको जरा गौर से देखिए आप जी, तो ये ऑक्सीजन जो है उसका जो है आपके सामने ऑक्सीजन आइसोटोप्स दिखाए गए हैं, ठीक है, इसको गौर से देखिए, ये ऑक्सीजन 16 है और दूसरे वाला ऑक्सीजन 18 है, जी। उसके बाद यहां पर आपके एक टेबल दिया गया है, टेबल 2.2, इसको आप जरा गौर से देख लीजिएगा, इसमें सारे के सारे जो आपको आइसोटोप्स पढ़ाए गए उनकी डिटेल्स मौजूद है। उसके बाद एक साइंस टेक्नोलॉजी की लाइंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन साइंस एंड मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, आइसोटोप्स हैव वास्ट एप्लीकेशन, द बिगेस्ट एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस लाइक कैंसर्स, तो कैंसर्स वगैरह जो है उनके लिए और बाकी जो डिजीजेस हैं उनके लिए इसमें ये जो सारे के सारे आइसोटोप्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि आइसोटोप्स के यूजेस क्या क्या हैं, तो ये भी आपका स्टार टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जो है वो, ठीक है, लर्न करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल यूजेज हैं इसके, ठीक है, वो हैं 5, ठीक है, तो 5 यूजेज हैं, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहला यूज हमारे पास है रेडियोथेरापी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटोप्स लाइक फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रॉन्शियम 90 आर यूज बिकॉज, मैं अब रीड आउट कर रहा हूँ पेज नंबर बुक का आपका 40, राइट, मेनी एप्लीकेशन इन
emit less penetrating beta radiations for cancer cobalt 60 affecting with the body is used because it emits strongly penetrating gamma rays. ठीक है, तो gamma rays होती हैं, ये penetration करती हैं और cancerous cell जो होते हैं उनको जला देती हैं. दूसरा हमारा है tracer for diagnosis and medicines. अच्छा, tracers क्या होते हैं? Tracers बेटा वो होते हैं जो किसी भी बीमारी को trace करते हैं, diagnosis करते हैं. मिसाल के तौर पे किसी बॉडी में कहीं पर कैंसर है तो उसको ट्रेस करना है कि कहां पर कैंसर है. द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिंस टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी. ट्यूमर क्या होते हैं? कैंसर को ट्यूमर कहते हैं. आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड टू डायग्नोज अ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड. जो गला बढ़ जाता है, गले के अंदर जो गॉइटर होता है, सही है, जिसको उर्दू में गिलहड़ कहते हैं. ठीक है, गॉइटर इंग्लिश में कहते हैं उसको. Similarly, technetium is used to monitor the bone growth. कुछ बच्चे होते हैं जिनमें bones की जो growth होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, वो जो है damaged bone growth होती है, तो उनकी bone growth यानी उनकी हड्डियां किस तरह से बढ़ रही हैं उसके लिए भी tracer के तौर पर जो है जो iodine 131 है that is used, right? अब देखते हैं हम आगे. अब हमारे पास third one है archaeological and geological use. The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stones. Beta, for example, हमारे पास कोई पुरानी civilization जमीन में से निकलती हैं, plants हैं, animals हैं, stones हैं पुराने जमाने के, तो उनको ये देखा जाता है कि इनकी एज क्या है, कितने पुराने हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी radioactive isotopes यूज किए जाते हैं. इसके लिए अमूमन carbon 14 इस्तेमाल होता है. The age determination of very old object based on the half-life of the radioactive isotopes is called radioactive isotopes dating. An important method of age determination of old isotopes is called radioactive isotope dating. An important method to date determination of old carbon-containing objects, fossils, by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating. But a carbon dating is बहुत डिटेल टॉपिक है और ये बहुत एक हाई लेवल का टॉपिक है. मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि किसी भी जो लिविंग थिंग्स हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं तो उनमें देखें कार्बन तो मौजूद है. अब वो कार्बन जो है उसकी एक हाफ लाइफ होती है. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं रेगुलर क्लासेस होंगे उसमें दूंगा इंशाल्लाह आपको. अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि जो कार्बन मौजूद होता है उन लिविंग थिंग्स के अंदर उसकी जो हाफ लाइफ होती है उससे कार्बन डेटिंग्स के जरिए उनकी एज फाइंड आउट. Fourth one, chemical reactions and structure determination. The radioisotopes are used in a chemical reactions to follow a radioactive elements during the reaction and ultimately to determine the structure. For example, carbon 14 is used to label carbon dioxide, as carbon dioxide is used by the plants for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose. ठीक है, तो chemical reactions जो हो रहे हैं और उनकी जो structure, for example, carbon dioxide की जिस तरह इन्होंने example दी, plants के अंदर use होती है. ठीक है, next हमारा जो इसका use है that is basically in the application of power generation. ठीक है, बिजली बनाने के लिए, power generation के लिए इसका जो use है वो किस तरह से होता है वो देखिए. Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reactions in nuclear reactors. For example, when uranium-235 is bombarded with slow-moving neutrons, the uranium nucleus breaks up to produce barium-139 and krypton-94 and 3 neutrons. अगर बेटा यूरेनियम की एक बड़ी न्यूक्लियाई के ऊपर एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड किया जाए तो यूरेनियम की जो बड़ी न्यूक्लियाई है वो ब्रेक हो जाती है दो छोटे न्यूक्लियाई में, जिसमें एक न्यूक्लियाई है बैरियम 139 की और दूसरी है क्रिप्टॉन 94. इस प्रोसेस के दौरान 3 न्यूट्रॉन मजीद प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती है. ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये कन्वर्ट करती है वाटर को स्टीम में बॉयलर्स के अंदर और उस स्टीम से टर्बाइन चलाई जाती है और बिजली प्रोड्यूस होती है. तो ये बेसिकली एटॉमिक एनर्जी का एक पीसफुल यूज है. तो ये जो रिएक्शन हमने ऊपर सीखा अभी आपने अपनी बुक के अंदर भी देखा. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये वाला रिएक्शन आपका जो एटॉमिक बम होता है उसमें भी यही रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है. ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं इनमें से 2 न्यूट्रॉन्स को जाया कर देते हैं और 1 न्यूट्रॉन फिर मजीद आके रिएक्शन को प्रोसेस करता है. बेटा यहाँ हमारा जो यूनिट नंबर 2 है ये खत्म होता है. टेस्ट योरसेल्फ आज आपका होमवर्क है 2.4. इसी के साथ साथ जो है ये टेस्ट साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी का टॉपिक आपने सीखना है.
इसी के साथ आपने आज एक और होमवर्क ये है कि आपने की पॉइंट्स को अच्छी तरह रीड आउट करना है और आपके पास जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपने आज सारे के सारे जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर इनमें से कोई सॉल्व नहीं होता तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा जो यूनिट हमने पढ़ा है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे। तो यहाँ हम केमिस्ट्री की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। मैं रिपीट इस वजह से नहीं करता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रही होती है क्लास,